हे गाइस, गुड मॉर्निंग। नहीं बेटा छोड़ो, तो आज है रवि का बर्थडे और वैसे वो अभी आया नहीं है, थोड़ी देर में आएगा। वो अपने रूम पे, ये रात को भी यहाँ पे नहीं था। ये हमारे परी बैठू बेटा, नहीं बेटू अभी सो के उठी है, इसकी भी थोड़ी सी नोजी आ रही है। आज खिलाएंगे आपको, खिलाएंगे। मैंने बनाई है फ्राइड इडली। क्या हाँ नहीं, मैंने बनाई है फ्राइड इडली। अरे क्या हो गया बेटा, आपको खिलाएंगे तो अभी। ये रही चाय, वो तो मना रहे हैं अभी, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं हमारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के होस्ट एंड क्या बोलते हैं इसको, रहन दो आपसे नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं, मेरे को कर ले दो। हेलो एवरीवन, मैं हूं ब्लॉगर, मान जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग अभी जा रहे, आज क्या क्या बार है, संडे। आज क्या बार है, संडे। आज है संडे और कल था रवि का बर्थडे, जो कि बारिश ने पूरा खराब कर दिया था। हम कहीं पे भी नहीं जा पाए थे और रवि का मूड भी बहुत स्पॉइल हो गया था। बट एट द एंड उसके जीजू उसे लेके गए, इन लोगों ने पार्टी वगैरह की थी। तो मैं भी नहीं गई थी क्योंकि परी की थोड़ी नोजी हो रही थी, और दीदी भी नहीं आई थी क्योंकि रिद्धि की तबीयत खराब थी। बड़े जीजू सब नहीं आए थे, ये थे और रवि थे और उसके फ्रेंड्स थे, उन्होंने सेलिब्रेट किया था। तो आज सुबह फिर ये लोग कचौरी वगैरह लाए थे कि कल की भरपाई कर लेते हैं। तो हमने सोचा अभी जाके, आज मौसम भी सही है तो रवि का छोटा सा हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। वैसे बर्थडे उसका जा चुका है। फोकस तुझ पे है क्या? हाँ, लाइट का थोड़ा सा इशू, लाइट की वजह से हो रहा है। चलो हम जा रहे हैं, चलो अब गाड़ी निकालो। बहुत से लोगों की ना शिकायत होती है कि हमें ओपन पोर्स की एंड लार्ज पोर्स की शिकायत है। तो ओपन पोर्स के लिए काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, साथ में हमारी जो पॉल्यूशन आजकल इतना बढ़ रहा है, डर्ट होती है उससे भी हो सकते हैं। तीसरा, जिनकी ऑयली स्किन होती है उन्हें ओपन पोर्स होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसी ओपन पोर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मामा अर्थ लेके आया है हमारे लिए ग्रीन टी रेंज फॉर ओपन पोर्स। तो इस तरीके की रेंज है, ये मेरे पास डे क्रीम अवेलेबल है और ये टोनर अवेलेबल है। इसमें हमें की इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, ग्रीन टी। ग्रीन टी हमारी स्किन को क्लीन तो करती करती है, साथ ही इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स डैमेज से हमारी स्किन को फाइट करने में हेल्प करती है। साथ ही ग्रीन टी हमारे ओपन पोर्स को टाइट करने में भी हेल्प करती है। और दूसरा, हमें जो की इंग्रेडिएंट मिलता है इस रेंज में वो है कॉलेजन। कॉलेजन हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, साथ ही ये एक एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को भी बढ़ाता है। चलिए मैं आपको जल्दी से इन्हें यूज करना बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको इन्हें यूज करना है। आपको टोनर लेना है, सिंपल अपने फेस पे आपको स्प्रे करना है। ये हमने ले लिया, ठीक है, स्प्रे कर लिया। अब आप कॉटन पैड लीजिए, एज सिंपल एज दैट, यही करना है। हो गया हमारे टोनर का काम। उसके बाद आपको क्या करना है, डे क्रीम लेनी है। सिंपल जैसे हम फेस क्रीम या मॉइस्चराइजर वगैरह फेस पे अप्लाई करते हैं, वैसे हमें नॉर्मल अप्लाई करनी है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप हर 6 घंटे में इस क्रीम को अप्लाई करें। ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, ये इतना प्लास्टिक यूज भी नहीं करते हैं जितना ये रिसाइकल करते हैं। जब भी आप मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो ये सीधा आपको जोड़ देते हैं एक ट्री के साथ, क्योंकि इनका मेन एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करना। मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, पर्पल के वेबसाइट पर, नायका पर, और बेबी प्रोडक्ट्स के लिए आप फर्स्ट क्राई पर भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो नीचे कूपन कोड दिखाई दे रहा है, अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको मिलता है 20% डिस्काउंट। बट ये डिस्काउंट आपको अवेलेबल होगा सिर्फ मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर। मामाअर्थ ने अपनी एप्लीकेशन भी लॉन्च कर ली है, तो अगर आप सेल्स का अर्ली एक्सेस चाहते हैं और अच्छे अच्छे डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पर भी चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल हैं, तो जल्दी से जाइए और चेकआउट कीजिए। तो बस उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं, पहले दीदी के घर जाएंगे, उसे पिक करेंगे। यार लाइट, पता है क्या, घर के अंदर की जो हमारी लाइट्स होती है ना आर्टिफिशियल, इनमें इतनी क्लैरिटी नहीं आती है, बट बाहर जो नेचुरल लाइट होती है ना उसमें आईफोन में ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आती है। तो चलो चलते हैं, ये देखो नेचुरल लाइट में कितनी अच्छी क्लैरिटी आती है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बारिश की वजह से। आप लोगों को हमारा घर दिखाती हूँ, ये है हमारा घर, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आप लोग बोलते रहते हो ना, लेकिन होम टूर का भी और देंगे आपको। ऊपर वाले फ्लोर पे मैं रहती हूँ, नीचे वाले पे अभी सारे।
बस आए हैं यहाँ पे DCM पे रवि के लिए केक लेने। उसको पता नहीं है, चुपके से हम भागे हैं। चलो चलते हैं केक लेने। कौन सा वाला लेना है? नहीं बैठा देता, नहीं बैठा लो। नो, अरे परी केक नहीं खाएंगे। परी केक नहीं खा रहा बेटा। वो अपने खिलौने भी घेर के अपने उसमें लगी हुई है। या भी परी आजा आजा, फुल बर्थडे फुल पार्टी फुल धमाल आजा। फोन ले लिया, अरे आईफोन दिख जा नॉर्मल। अरे हाथ तो ले, अरे हाथ तो सही। हैप्पी बर्थडे टू यू, बोले कोमल ये वाला लेना है, इसमें चॉकलेट चॉकलेट वाली है। अब ये बिरयानी भाई के लोग संग आए, तो ये लोग कैंडल देते हैं। फैन ऑफ करना पड़ेगा, तो ये लोग गर्म करने के लिए देते हैं। ऐसे गर्म ही है, बट थोड़ा हम लोग फोटो वगैरह लेने के लिए, स्टाइल मारने के लिए। ये गर्म करना के लिए पहली बात, कैंडल से गर्म करना होता है। हाँ, ये सिर्फ कैंडल लाइट डिनर के लिए देते हैं, अच्छी वाइब के लिए। वाइब आए पर देख रही क्या हो रहा है। इसको रखो, इसमें छोटी को रखो ना, बड़ी हो। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। और रात को हम लोग आ गए थे, जल्दी आ गए थे दीदी के घर से। हम लोग बाहर खाना खाने भी नहीं गए थे, हमने घर पे ही मंगा लिया था। बिकॉज रित्सा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी और परी के भी नोज़ी हो रखी है। मौसम भी कल बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो हमने सोचा घर पे ही, तो दीदी के घर पे ही हमने बिरयानी वगैरह मंगा ली थी, आपने देखा होगा। और अभी बज रहे हैं, टाइम हो गए 3:30। रवि मतलब मेरा भाई और परी सो रहे हैं दोनों, और मेरे बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं। आपको दिख रहा होगा किचन फैली हुई, क्योंकि आज भी खाना खाने में भी लेट हो गए हम लोग, क्योंकि लेट ही उठे। एक्चुअली उठ तो मैं तो 7:30 बजे गई थी, और उससे पहले भी उठ गए थे। एक्चुअली गौतम मना, वो बॉम्बे गए हैं 2 दिन के लिए, आज गए हैं, कल नाइट में आ जाएंगे। ट्यूसडे है ना कल, हाँ कल रात तक आ जाएंगे, 12-1 बजे तक। उनकी शायद 11 बजे की रात की फ़्लाइट है बॉम्बे से, तो 3 या 3:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो रवि सुबह उनको एयरपोर्ट छोड़ के आया था, क्योंकि कैब वगैरह भी नहीं हो रही थी, तो सुबह वो गए, तब उठ गए हम लोग 3:30 बजे उठ गए थे। वो 4 बजे गए थे, 5:20 की उनकी फ़्लाइट थी, तो तब उठ गए। फिर रवि फिर वापस सोई मैं, फिर रवि आया 5:30 बजे वापस उनको छोड़ के, फिर उसने बैल बचा थी फिर उठ गई, फिर 7:30 बजे दूध वाला आ गया फिर उठ गई। रात को एक दो बार परी ने उठा दिया था, और रात को सोई भी हम, मतलब आ तो दीदी के घर से जल्दी गए थे, बट परी मैडम हमारे सोती वही, उसका 11:30 बजे 12 बजे सोती है वो, तो उस टाइम भी लेट हो गए थे, तो ऐसे करके नींद ही पूरी नहीं। तो फिर मैं दूध लेने के बाद दूध गर्म किया, और सारे टॉयज़ वगैरह जो फैले हुए थे सब उठाए, मैट वगैरह उठा दिए। उसके बाद फिर मैं सो गई वापस से, मैट झाड़ के रख दिए थे सारे, फिर मैं सो गई। फिर 9 बजे वापस बेल बज गई, मेरी हाउस हेल्प आ गई। तो ऐसा करके आज नींद पूरी नहीं हुई है। और उसके बाद फिर काम वगैरह, और अब दिवाली की सफाई चल रही है, तो जैसे मैट वगैरह हो गए, कुशन कवर वगैरह हो गए, थोड़े थोड़े करके मैं वॉश करती रहती हूँ। आज कुशन कवर वॉश किए थे, और साथ में परी के जो कपड़े थे वो वॉश किए थे, मेरे कुछ थे वो थे। ऐसे करके फिर लंच पर सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, पोहे बनाए थे, फिर अभी लंच में दाल और रोटी बनाई, फिर अभी लंच किया हमने 2:30 बजे, फिर परी को सुलाया, उसके मामू सब उसके साथ सो रहे हैं। अब मैं बर्तन वर्तन साफ़ करूँ, क्लीन करूँगी, फिर मेरी एक वीडियो है वो एडिट करनी है, क्योंकि क्या होता है वीडियो हमें पहले से ट्रैक्टर ज़्यादा वीडियोस हमें पहले ही एडिट करनी पड़ती हैं, जिनमें हमारा ब्रांड प्रमोशन होता है, क्योंकि ब्रांड अप्रूव करने में उसे 1 दिन भी लगा देते हैं, कई बार 2 दिन भी लग जाते हैं। तो जिस वीडियो में हमारा प्रमोशनल पार्ट होता है वो हमें जल्दी एडिट करनी पड़ती है,
तो वो एडिट करके मुझे ब्रांड को भेजनी है ताकि अप्रूवल आ सके टाइम से और मैं अपलोड कर सकूं। तो काम ख़त्म कर लेती हूँ। नहा मैं सुबह ही ली थी, जब मैं उठी थी ना दूध वगैरह के लिए, दूध गर्म होना था उसी टाइम नहा ली थी क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी तो आँखें जल रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं तो अपनी सुबह उठ से ही नहा ली थी। आज काम फ्री हो गया था मेरा, आप बस बर्तन वर्तन साफ करके अपनी वीडियो एडिट करूँगी, फिर आपसे मिलते हैं शाम को। देख लो हमारे शैतान के काम, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, कटोरी पे खड़ी होके और डांस करने की कोशिश चल रही है। अरे क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहा है ये बेटू, ऐसे नहीं करते बेटा। इसमें लो ये पापड़ डालो आपके, लो चिज्जी डालो इसमें, इधर लेके आओ मम्मा चिज्जी डालेगी इसमें, लेके आओ इधर, इधर लाओ, लो लो चिज्जी, वो लेके आओ आपकी कटोरी, लेके आओ उसमें रखूंगी, कटोरी लाओ, लो उसमें डालेंगे, लो प्लेट, प्लेट में डाल दूँ, लो इसमें रख रही हूँ, लेके आओ उसको। भाई ये चीज इतनी जिद्दी हो गई ना, जो करना है वही करना है, इसमें रखो, सीधा रखो सीधा, उल्टे उल्टे में कैसे चीज़ें डालेंगे, ऐसे करो, ये लो खाओ, खा लो, पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, खा लो। इसके लिए मैं फ्राई नहीं करती, गैस पे ना भून के दे देती हूँ ताकि सही रहता है बच्चों को। बस खा लिया क्या, जाओ अब रख के आओ किचन में, रख के आओ इसको भी, रख के आओ लो प्लेट को भी, रख के आओ।